साथियों, जिंदगी में सफल होना है तो एक बात अवश्य याद रखिएगा, पांव भले ही फिसल जाएं, परंतु जुबान को कभी भी फिसलने मत देना, क्योंकि पंछी अपने पांव के कारण जाल में फंसते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है वो हमेशा ही अपनी जुबान के कारण जाल में फंस जाता है, यानी परेशानियों में पड़ जाता है। इसलिए हमेशा खुद को शांत सरोवर बनाएं, जिसमें अगर कोई अंगारा भी डाले तो खुद ब खुद बुझ जाए, क्योंकि किसी से भी ईर्ष्या करके, द्वेष करके, किसी से भी दुश्मनी लेकर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु इस ईर्ष्या से हम खुद की नींद और सुख चैन जरूर खो देते हैं। तो इसलिए हम तो हमेशा यही कहेंगे कि कहीं से भी मिलती हो विचारों की खूबसूरती को अपने अंदर बसा लो, उसे चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, बदल जाती है, लेकिन विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। और किसी के दिल में उतरना या फिर दिल से उतर जाना, दोनों ही आपके व्यवहार, आपके विचारों पर निर्भर करता है। जैसे चश्मे की फ्रेम प्लास्टिक की हो या फिर फाइबर, चांदी या सोने की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि महत्व तो उसके अंदर लगे कांच का होता है, जिससे हमें दिखाई दे। ठीक उसी प्रकार हम अपने शरीर को ढकने के लिए कितने ही सुंदर, कितने ही महंगे या ब्रांडेड कपड़े क्यों ना पहन लें, अगर हमारा चरित्र, हमारी आत्मा पवित्र नहीं, हमारा आचरण अच्छा नहीं, तो वो सब शून्य है। और साथियों, गीता में लिखा भी है, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप है, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। और कहते हैं ना, आप भला तो जग भला, यानी अगर हमें खुश रहना आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत लाख परेशानियां देकर भी हमें दुखी नहीं कर सकती। और इसके विपरीत अगर हमें दुखी रहना पसंद है, वो हमारी आदत है, तो दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास होकर भी हम दुखी रहेंगे, दुखी रहने के बहाने हम ढूंढ ही लेंगे, यानी सुख और दुख दोनों ही हमारे मन की कल्पना है, क्योंकि मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें हासिल नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, हमेशा अपने मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। और किसी ने क्या खूब कहा है, परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं, अपने चेहरे की हंसी से हर गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। बस यही एक राज है जिंदगी का, कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीना सिखा दो। तो साथियों, ऐसे ही नए नए विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।